हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जिनको घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही प्यारे से टिप्स जिससे आप एक घंटे में अपना पूरा घर डीक्लटर एंड साफ़ एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टिप्स हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपको हेल्प भी करती हैं, हंसाती भी हैं एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती हैं। सो शुरुआत करेंगे बेड बनाने से। फॉर सम रीज़न जब आपका बेड बन जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपने एक टास्क अकम्प्लिश कर लिया है एंड आप तैयार हो जाते हैं बाकी चीज़ें करने के लिए। एंड बना हुआ बेड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप वहाँ से गुजरते हैं देखते हैं दैट्स इज नाइस। सो शुरुआत करेंगे बेड बनाने से। सो उसके बाद अगला काम होने वाला है लॉन्ड्री को ऑर्गेनाइज करने का एंड ट्रैश, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ खा के पी के नैपकिन्स यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। सो एक ट्रैश बिन को लेके अपने घर में घूमे, जहाँ पे भी ट्रैश मिलेगा बिन में जाएगा सीधा एंड घर हो जाएगा साफ। दूसरी चीज़ है कि लॉन्ड्री को सारे को लॉन्ड्री के रूम में पहुँचाएंगे या लॉन्ड्री के बास्केट में, क्योंकि जब हिम्मत स्कूल से आता है या मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं कि सोफे पे चीज़ें फेंक देंगे, स्टेयर्स में फेंक देंगे। सो मैं सारी चीज़ों को लेके लॉन्ड्री की बास्केट में डालूंगी। एंड बहुत बार ये भी होता है कि वॉशरूम में जब वो कपड़े चेंज करते हैं तो वहीं पे फेंक देते हैं या गंदे टॉवल वहीं पे कितने देर पड़ा रहते हैं। सो सारी लॉन्ड्री को पहुंचाएंगे लॉन्ड्री रूम में। सो अगर आपकी कोई साफ़ सुथरी लॉन्ड्री को आपको ऑर्गेनाइज करना है वो भी इसी समय कर लेंगे। समय हमारे पास बहुत ही गिनती चुनती का है। सो क्विकली अगर कपड़ों को फोल्ड करना है, उनको क्लॉजेट्स में रखना है, तो जल्दी से वो भी काम अभी कर देंगे। As our fortunes come to find our hands. अगला टास्क हमारा होने वाला है फ्लैट सर्फेसिस को क्लीन करने का। फॉर सम रीज़न फ्लैट सर्फेस होते हैं जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, काउंटर टॉप हो गया, या जो वॉश बेसिन सिंक्स होती हैं जैसे हमारे वॉशरूम में, उसको हम एक्युमुलेट कर देते हैं मेस के साथ कुछ ही हफ्तों में। हमें आदत है जो भी हमने देखा फ्लैट जगह पर रख दिया, जैसे डाइनिंग टेबल बहुत लोगों का बहुत मैसी होता है। सो डाइनिंग टेबल को काउंटर टॉप को क्लटर फ्री करना है। एक बिन ले, उसमें सारी चीज़ें डाल दें जो काउंटर्स पे पड़ी हैं एंड उसको बिन को लेके घूमे अपने घर में जहाँ जहाँ चीज़ें जानी हैं जाएंगी। सो उसके बाद उसको क्लीन एंड वाइप कर दें ताकि शाइनी एंड क्लीन हो जाए। वॉशरूम सिंक्स का भी ऐसे ही है, क्योंकि हम फेस क्लीन करते हैं, स्किन केयर यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ काउंटर्स पे रखते रहते हैं। हमारे पास जगह है ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर फिर भी हम उसे फैला देते हैं, उस सारे को ऑर्गेनाइज करके वाइप कर देंगे। I see you in this space we made at the end. Let's make some space for tomorrow. Let's make some space. तो हमारे फ्लैट सरफेस हो चुके हैं क्लीन एंड घर क्लीन लगना शुरू भी हो चुका है। अगला हमारा टास्क होने वाला है हिम्मत के जो टॉयज है उसके रूम में जाएंगे, क्योंकि मैंने उसको बताया है कि ये रूम उसका है, इसमें वो जो मर्जी करे पर टॉयज इधर उधर मत फैलाए। पर फिर भी वो कर देता है, पर वीक में एक बार हम लोग सारा चीजें उसके रूम में दोबारा से पहुंचा देते हैं। सो इस समय आप अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, उनसे कहें कि अपने रूम को ऑर्गेनाइज करें। मैं हमेशा हिम्मत की हेल्प लेती हूँ उसके टॉयज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी बुक्स को या उसकी लॉन्ड्री को, बहुत हेल्प होती है।
I see family. You'll help grow up strong. Knowing nothing comes close to the life that you hold in your arms. Through sunshine and rain, it's good all the same. You'll face it together, share more than a name. Through sunshine and rain, you'll come out okay. You're never alone on the path that you take. I see love here. I see moments so tender and sweet. I see how. So, इस समय अपने टॉयज हिम्मत करेगा ऑर्गेनाइज और जो ये समय है मैं यूज़ कर लूँगी मेरे घर के सोफ़ास को बनाने के लिए. जैसे हम टीवी देखते हैं ब्लैंकेट्स होती हैं सो उनको क्विकली हम ऑर्गेनाइज कर देंगे बना देंगे गद्दियों को सही तरीके से रख देंगे टेबल है तो उसको क्लीन कर देंगे. I see hearts that'll trust in each other for the rest of their year. I see family. You'll help grow up strong. Knowing nothing comes close to the life that you hold in your arms. Through sunshine and rain, it's good all the same. You'll face it together, share more than a name. Through sunshine and rain, you'll come out okay. You're never alone on the path that you take. I see love here. I see moments so tender and sweet. I see half of yourself in the other. Together. So, इस काम के बाद बारी आती है क्लोजेट को डिक्लटर करने की. सो ये जो चीज़ है इसे लगेगा समय पर फिर भी आप क्या कर सकते हैं क्विकली रन थ्रू हो उन कपड़ों से जो आप यूज़ नहीं करते हैं उनको हम डोनेट कर देंगे और जो कपड़ों की हालत खस्ता है फटे हुए हैं जो आपको लगता है कि आप फिर यूज़ कर लेंगे या पोचा बना लेंगे तो उसको निकाल के पोचे वाली जगह पर रख लें. ऐसे मत हो कि 100 कपड़े आपने पोचे ही बना लिए हैं फेंक दें क्योंकि जब आपका घर क्लटर फ्री होता है और उसमें गंदी चीज़ें फटी हुई खस्ता हालत की नहीं होती तभी नई चीज़ें आती हैं. ये वास्तु है दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी है. जब आपने अपने घर के कोनों को गंदे स्टफ़ से टूटे हुए चीज़ों से कि कल यूज़ करेंगे परसों यूज़ करेंगे एक साल बाद करेंगे भर के रखा है तो नई चीज़ों के आने का रास्ता ही नहीं खुला है. तो प्लीज़ जाने दें. जो चीज़ें अच्छी हालत में है अगर आप किसी मेड को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं दे दें ताकि वो पहन ले क्योंकि आपकी क्लोज़ेट में बैठा भी वो फट ही रहा है ना कोई पहन लेगा तो हेल्प हो जाएगी. सो मैं क्या करती हूँ क्विकली रन थ्रू होंगी क्लोज़ेट में जो चीज़ें जा सकती हैं उस वो जाएंगी. पर मैं रेगुलरली ऐसे करती हूँ जब भी मैंने लॉन्ड्री वॉश की और मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मैं और नहीं पहनती हूँ तो उससे मैंने लिनन क्लोज़ेट में एक कोना बना के रखा है जहाँ पे चीज़ें एक्युमुलेट करती रहती हूँ. मैं हिम्मत के टॉयज़ हो गए या हिम्मत के जो छोटे हो गए कपड़े हैं कोई और पहन सकता है जैसे शूज़ हो गए हिम्मत के सो उसको हम सारे को बैग में भर के डोनेट कर देंगे. एक तो अच्छा काम करेंगे एक आपके घर में नई चीज़ों के आने के लिए जगह बन जाएगी. सो इसी तरह एक घंटे में हमने हमारे पूरे घर को क्लटर फ्री एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लिया है. एंड अगर आपको लगता है कि आपके फ्लोर को क्लीन करने की ज़रूरत है तो क्विकली ब्रूम या वैक्यूम कर सकते हैं सो सारा कुछ चमचमा जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई अच्छी प्यारी सी टिप है मेरे साथ शेयर करने के लिए जो मैं यूज़ कर पाऊँ वो ज़रूर से शेयर करना. मैं मिलूंगी नए वीडियो में. अपना ख्याल रखिए दोस्तों और बिल्कुल मत भूलें यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. आई लव यू गाइज सो वेरी मच. बाय. लालू. I see hearts that'll trust in each other for the rest of their years. I see family. You'll help grow up strong. Knowing nothing comes close to the life that you hold in your arms. Through sunshine and rain, it's good all the same. You
We'll face it together, share more than a name. Through sunshine and rain, you'll come out okay. You never